स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम अभी स्लाइड्स को देख चुके हैं, तो यहीं से लेके चलेंगे हम। डिफरेंट ये जो हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं, इनको चेक करेंगे कि इवेंट जब हम अकर होते हैं तो इनको हम इसके रिस्पांस में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने माउस के इवेंट अभी देखे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड के इवेंट देखे हैं, कीबोर्ड के बाद हम लोगों ने फ्रेम और ऑब्जेक्ट के इवेंट देखे हैं, और फॉर्म के इवेंट देखे हैं। तो हम सबका तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन जनरल जो सिंटैक्स है, तरीका है, वो आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी और एक और चीज़ आज हम लोगों ने करनी है, वो ये करना है कि ये जो मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं यहाँ पे, क्या था कि ये हमारे पास फायरवर्क्स हो रही है, और इसके अलावा यहाँ पे भी थी हमारे पास ये माउस की ट्रेल है, हमारे साथ मूव कर रही है, और इसको भी ज़रा रीलोड करवा लें। तो इसमें क्या था, ये बेसिकली यहाँ पे स्टेटस बार पे हमारे पास टेक्स्ट चल के आ रहा था। ये चीज़ें हम खुद नहीं बनाएंगे, हमारे पास बने बनाए ये फंक्शंस हैं, उनको हमने अपने वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट किस तरह से करना है, या वेब पेज में किस तरह से लेके आना है, उसमें चेंज कैसे करनी है। तो ये स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं ताकि नेट हमारा स्टार्ट हो जाए। और फिर कहाँ गया अभी, किस नाम के फोल्डर से ईवो का बनेगा हमारे पास, ब्रॉडबैंड, और इसके अंदर फाइल कहाँ से कॉल होगी, वो शॉर्टकट नहीं आया मेरे पास, कोई पता है अभी किसी को। बेसिकली एक वेबसाइट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट फ्री कोड, इसके अलावा आप गूगल में जाकर लिखें जी जावास्क्रिप्ट फ्री कोड, जनरल लिखेंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती हैं, और उनमें से एक वेबसाइट का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं तो ये बेसिकली डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं, मसलन बातें नहीं बेटा, ये फाल लीव्स हैं, रेनिंग ऑन टेक्स्ट है, नाइस पेनिंग, ये बेसिकली अगर देखें तो पाँच पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, और एक हर एक पेज पर तकरीबन 20 हमारे पास क्या हैं स्क्रिप्ट पढ़े हैं। तो तरीका क्या है, वो तरीका चेक कर लें। चलें जी, क्लॉक द विजिटर टाइम विजिटिंग द पेज, अच्छा जी क्लॉक इन वेबसाइट, चले क्लॉक लगाते हैं, क्लॉक अगर लगाना तो कैसे लगे। बेसिकली उस लिंक में मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये सारे का सारा कोड जो चाहिए मुझे वो कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास इस जगह पे आ रहा है, और ये नीचे आपको पता चलेगा ये कितने ब्राउज़र में सपोर्टेड। अभी इन्होंने बात की थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन से ब्राउज़र पे चलना, तो ये नीचे आपको ये बताएगा ये जो क्लॉक अगर आप लगा रहे हैं कोई भी स्क्रिप्ट कितने ब्राउज़र पे चलेगा। मैं कहता हूँ जी सेलेक्ट ऑल, ये कोड याद है सारा क्या होगा, कॉपी हो गया, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी करें, और मैं ड्रीमवीवर में आता हूँ, आप नोट पैड में कर लें आपकी मर्ज़ी है, कोई भी एडिटर टेक्स्ट, यहाँ से मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ, HTML का पेज है, खाली चाहिए बेसिकली मुझे, कोई भी कोड नहीं चाहिए, इसको सारे को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल भी कर देता हूँ जो वहाँ से मैं अभी कॉपी करके लेके आया, ठीक है। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, और अब यानी बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी बॉडी के अंदर जो भी मैं चीज़ लिखूँगा, यानी बाकी स्क्रिप्ट तो ऊपर रह गया, बॉडी के अंदर जो मैं आगे और फर्दर परफॉर्म कोई चीज़ करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं इस पेज को सेव करके बाकी फिर आपको बताता हूँ। ये से हम कहते हैं जी CLOC के, अब ये क्लॉक डिजिटल है, एनालॉग भी बन जाएगा, एनालॉग का स्क्रिप्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन एनालॉग अभी इसी तरह से ही। अब इसको मैं अगर ब्राउज़र में प्रीव्यू करता हूँ तो ये जो मेरे सिस्टम का टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी जो टाइम यहाँ पे आ रहा होगा वही टाइम यहाँ पे आ गया। तो सिंपली ये काम आपने क्या करना है, वहाँ से जाके जो लिंक है जो चीज़ भी आपको चाहिए उसका कोड यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, या से यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ऑल करें, कॉपी करें और अपने पेज पर ला के पेस्ट करें, तो वो स्क्रिप्ट सारे का सारा आपके
वेब पेज पे लग जाएगा। तो एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिखा दी, बाकी आपको जो भी यहाँ से स्क्रिप्ट पसंद आता है, नीचे ब्राउज़र सपोर्ट है, किस ब्राउज़र पे चलना है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो वो आप चेक कर लें और जो आपको चाहिए। हाँ तो फॉर्म बनाओ, फॉर्म बना के जहाँ मर्जी लगा लो, डिप का टैग बनाओ, डिप के टैग के अंदर लगा लो, डिप तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो आपकी मर्जी जी जहाँ मर्जी। ये मतलब ये रैंडम बैकग्राउंड कलर चेंजर, ये वही चीज़ थी जो अभी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा था, ठीक है। टुडे डेट और वेबसाइट सेव बटन, यानी ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो भी आप लगाना चाहें। हाँ तो ये हमने बनी बनाई यूज़ करनी होती है, करते हैं ज़्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि व्हील को री इन्वेंट ना करें, तो चीज़ें पहले से उनको यूज़ कर लें, उनमें जो चेंज करना है कस्टमाइजेशन करनी है वो खुद कर लें, बाकी जो बनी पड़ी है उनको यूज़ करें। अब हम खुद देखते हैं कि अगर हमने यानी हमने कहा जी ये देखें बेसिकली, ये देखें ऑन लोड और उस पर एक मेथड का स्टार्ट क्लॉक का और टाइम उठा के वो चल रहा है। तो बेसिकली हम स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से करते हैं, कि अगर हमने कोई चीज़ खुद से बनानी हो, देखनी हो कि वो बनती है या चलती है कैसे होती है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक है हमारे पास हाइपर लिंक, एक का टैग होता है ना हाइपर लिंक के लिए, एच आर एफ में मैं कह देता हूँ जी मैंने कोई भी चीज़ नहीं जानी, कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना। तो मैं कहता हूँ जी ऑन, एम दबाता हूँ तो माउस के इवेंट आ रहे हैं ऑन माउस, तो यहाँ से मैं कहता हूँ जब भी ऑन माउस ओवर, जब भी इस हाइपर लिंक पर माउस आए तो क्या, ठीक है। बेसिकली आप कोशिश करें ये खुद से ना लिखें, लिखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो कोशिश करें जो ड्रॉप डाउन में इंटेलिजेंस विंडो में आपको चीज़ें मिलती हैं वही आप यूज़ करें। एक तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट, बेसिकली हमने जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा था उसमें एक डॉक्यूमेंट भी था विंडो से ऊपर की चीज़ है, डॉट मैं कहता हूँ जी बी जी सी ओ एल ओ आर कलर इज इक्वल टू, और सिंगल कोर्स में कोई कलर का नाम पास कर देता हूँ, ये सिंगल कोर्स लगाए हैं मैंने दो, मैं कहता हूँ जी हो जाए जी चलें बैकग्राउंड कलर के लिए मैं कहता हूँ जी पिंक हो जाए, हो रहा है अच्छा। और हाइपर लिंक में मैं टेक्स्ट क्या देता हूँ जी चलें जी गो टू पिंक, पिंक कलर आ जाएगा लिखा हुआ, और फॉरवर्ड स्लैश करके ये हाइपर लिंक का टैग पूरा हो गया ना, ये पहला पोर्शन, ये टैग जो डिस्प्ले में आएगा और डिज़ाइन में आएंगे तो सिर्फ यही लिखा हुआ नजर आएगा गो टू पिंक वाला। अब यहाँ पे बैठ के चेक करना नहीं शुरू कर देना, हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से कहते हैं ये कलर क्यों नहीं चल रहा, आ नहीं रहा, इसके ऊपर यहाँ माउस मूव कर देगा, तो आपने इसको जाकर कहाँ चेक करना है ब्राउज़र में। ये मेरे साथ अक्सर होता है जो है ना माशाल्लाह से, बच्चे भी और बच्चियाँ भी कहते हैं जी सर बना तो पड़ा लेकिन बस पता नहीं क्या है, हमारा नहीं चल रहा आपका तो सही चल रहा है। तो यहाँ से हम जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो बैकग्राउंड कलर पिंक होना चाहिए, नहीं हो रहा अच्छा नहीं आने तो हैं यही आने ऑन माउस ओवर डॉक्यूमेंट डॉट पी जी सी ओ जी ओ, बस टाइपिंग में गलती हो गई आ वाला ही काम किया ना मैंने, नहीं जी माउस ऊपर आ रहा तो बैक कलर पिंक हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि माउस ये कौन सा हो रहा है माउस ओवर का इवेंट है करो, मैं चाह रहा हूँ अब माउस आउट का भी मैंने लगाना, तो मैं क्या करता हूँ इतनी चीज़ को कॉपी करता हूँ, खुद भी लिख सकता हूँ दोबारा कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या है कि कॉपी पेस्ट वाला काम मैं कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा है। तो माउस ओवर की बजाय यहाँ क्या करना है हम लोगों ने ऑन माउस आउट ऑन सॉरी एम ओ यू एस आउट, मैं कलर क्या कर देता हूँ जी जो डिफ़ॉल्ट कलर है वाइट हो जाए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए जब माउस इस टेक्स्ट के ऊपर आए तो पिंक हो जाए, जैसे ही माउस हटे वाइट पिंक वाइट पिंक। अच्छा अब अगर ये वाला काम हमने काफ़ी दफ़ा करना है, यानी हम चाह रहे हैं
इसको कॉपी करते हैं इसी को। हाँ जी, दो तीन चार। मैं कहता हूँ जी, हाँ जी, कलर क्या हो जाए, एक दफ़ा हम कह देते हैं जी ये ग्रीन हो जाए, और टेक्स्ट भी चले थोड़ा थोड़ा बदलते जाते हैं। इसका एनी टाइम मैं कह देता हूँ जी नीचे कर देते हैं फॉर ग्रीन और पहला मैंने ग्रीन कर दिया, और उसके बाद मैं BR का टैग लगा रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। और कोई और तो नहीं जा रहा, पक्की बात है। मुझे लग रहा गड़बड़ हो गया नीचे। रेड कर देते हैं और तीसरा कलर कर देते हैं हम। बेटा जो पकड़ा गया ना तो फिर पेपर में ही बैठेगा, ऐसा बिठाऊंगा फिर याद करेगा। कितने आप की मुझे जरा ये तो बताओ। तो मैं तो बेटा हूँ। अच्छा जी, अब देखें हो क्या रहा है। इधर लेके आया ग्रीन, इधर रेड, रेड नीचे टेक्स्ट सेट कर लेते हैं ना, बाकी तो काम सारा सही है। इधर ब्राउन था, ब्राउन पे यहाँ लिखा गया आना चाहिए जी, यहाँ ब्राउन आना चाहिए। ब्राउन ऊपर क्या है जी, यहाँ रेड है और ग्रीन, और ये भी ग्रीन है। चलो इसे कुछ और कर देते हैं, येलो ब्लू, फिर ब्लू का ब्लू ही नज़र आएगा। अच्छा यहाँ पे अगर करना हमें, यहाँ भी येलो कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा रीलोड करवा लेते हैं, येलो ग्रीन रेड ब्राउन, वैसे जहाँ से भी लाके हटा रहा हूँ। तो ये ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट के इवेंट अक्कर हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर क्लिक पे लगा दूंगा कुछ और कर दूंगा, यानी माउस के सारे आप, यानी अब आप ये भी कर सकते हैं जब मैं इसको क्लिक करके रखूं कोई और कलर सेट हो जाए, जैसे ही छोड़ूं और सेट हो जाए, यानी सारे इवेंट आप चेक कर सकते हैं। तो दो मैंने आप लोगों को चेक करवा दी। अच्छा बेसिकली जब आपके पास, आप लोगों के पास यानी ये लिखा हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस विंडो में आपके पास ड्रॉप डाउन आओ आए, स्पेस दबाएंगे तो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। यानी अगर नहीं भी आ रही तो क्या करें, ये डबल कोट्स लिख रहा हूँ उसके बाद स्पेस दबा रहा हूँ तो फिर खुल जाएगी। यानी जब भी आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं और कहीं और क्लिक कर बैठते हैं तो क्या करना है आप लोगों ने, यानी इधर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद स्पेस दबाएँ, ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस विंडो ओपन हो जाएगी। मैं कहता हूँ जी ऑन माउस, चले करते हैं जी, अब माउस डाउन पे कर लें या किस पे कर लें, माउस ओवर पे लगाते हैं, माउस ओवर पे लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ऑन माउस ओवर करूँ तो मेरा कोई अपना बना हुआ फंक्शन कॉल हो जाए। मैं कहता हूँ जी एम ओवर एक फंक्शन बनाऊँगा, वो कॉल हो जाए और इसमें पास कर देता हूँ दिस, ठीक है। और हाइपर लिंक को मैं बंद करता हूँ और इसमें कह देता हूँ प्लीज मूव माउस। ऐसे नहीं करते, हाइपर लिंक में नहीं बनाते, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मैं डिव का टैग लगाता हूँ, DIV डिव का टैग लगाया, और इसकी मैं कहता हूँ जी विड्थ जो है वो 100 है और हाइट मेरे ख्याल में नहीं आएगी, तो चले हाइट भी 100 है और इसका स्टाइल सेट कर देते हैं
स्टाइल, यहाँ से मैं चूज करता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में मैं कहता हूँ जी इसका बैकग्राउंड कलर, तब आते हैं बैकग्राउंड कलर, और कलर मैं कह देता हूँ येलो कलर। और मैं टिप का टैग यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। डिजाइन में देखने बना क्या है, बेसिकली एक एरिया बना है और उस पर हम कहेंगे जब भी माउस आए बेटा बातें नहीं। अच्छा, हेड के सेक्शन में बेटा मैं इसका इसको कवर करूँगा, स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ मैं। बेटा सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट दे, 10 मिनट में ये क्लास खाली होगी। अच्छा ये मैं क्या कहता हूँ, मैंने क्या बनाया कि जब भी मैं इसके ऊपर लेके आऊँ ऑन माउस ओवर पे एम ओवर का एक फंक्शन का आलो, एम ओवर का फंक्शन, तो फंक्शन जब भी स्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट में बनाना तो कीवर्ड आप यूज़ करोगे फंक्शन, और एम हमने क्या बनाया ओ वी आर, और उसमें हमने दिस पास किया था जिसका मतलब होता है यही। यहाँ पे हम कह देते हैं ओ बी जे, यानी एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, जिसका मतलब होता है कि इसी आपने जो फंक्शन कॉल किया है इसी पेज के अंदर ही है, ठीक है। ये तो पता है ना आप लोग कर्ली ब्रेसेस किसलिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी फंक्शन की बॉडी होती है हमारे पास। मैं अगर सिंपल ये यहाँ पे कहता हूँ अलर्ट, तो जब भी मैं इसके ऊपर अभी ये सिंपल अलर्ट से चेक कर लेते हैं, हेलो मैं सेव कर रहा हूँ और इसको फंक्शन के नाम से ही मैं सेव करता हूँ, और इसको जब हम जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो फौरन ये मेरे पास हेलो का मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स आप एक जगह टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, आप जैसे माउस लेके जाते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ऐसे होता है ना, जो एरिया होता है और उसका टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। ये हमने सी एस एस के जरिए से भी देखे। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के जरिए से करें। मैं इस अलर्ट को अगर कमेंट करना हो तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट हो गया हमारे पास, कमेंट्स हो गए। अब मैं कहता हूँ ये जो ओ बी जे ये ऑब्जेक्ट डॉट आना चाहिए, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट बैक ग्राउंड सी ओ एल ओ आर कलर इक्वल टू ग्रीन कलर, तो चेक कर लेंगे ये प्रॉपर काम कर रहा है। हाँ जी ग्रीन हो गया हमारे पास, यानी मैंने क्या किया कि जब भी इसके ऊपर लेके आए तो ये टेक्स्ट कलर क्या हुआ ग्रीन हो गया। अगर ये काम आप कर सकते हैं तो बाकी यानी कोई भी आप चीज़ परफॉर्म। अब मैं अगर ये देख माउस ओवर पे लगा रहा हूँ, अभी मैं इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे ही माउस हटे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस आ जाए, मैं कहता हूँ कि ऑन माउस आउट कर देते हैं, और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर वापस क्या था येलो था पहले येलो कर देते हैं। अब मैंने कि बेसिकली क्या करना है वही वाला काम जो पहले किया था ऑन माउस ओवर पे ये किया हुआ है, और बल्कि चलो यहाँ अपना ही लिख लेते हैं। तरीका क्या है जी, स्पेस दबाएं ऑन माउस आउट, और इस पर इवेंट क्या कॉल फंक्शन कौन सा कॉल करना है एम आउट, और उसमें पास कर दें जी दिस, इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर इसको मैं दोबारा रीलोड करवाता हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है, हटाऊँगा येलो, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने यानी ऑन माउस ओवर और माउस आउट में बैक, अब ये आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट यानी टेक्स्ट जो लिखा हुआ ये भी चेंज हो सकता है, टेक्स्ट का साइज भी चेंज हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हम किसे करें जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। एक मिनट करें।